स्वागत है आपका यस न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ सुफियान। चलिए आज की ताज़ा खबर पर नज़र डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं AIMIM का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे एक NOC दिए उन्होंने। क्या बोल को NOC दिए हमें इस तुम्हारे पार्टी से, तुम ना बेदखल कर रहे हैं बोल को, बहुत खुशी की बात है। और ये बात मुझे ना उन्होंने 4 दिन पहले समझाए ना मुझे इंटीमेशन दिए। इमीडिएट कल तुम्हारे पास जैसा मीटिंग हुई मुझे फ़ोन आया, मैं आउट ऑफ स्टेशन था। ऐसा ऐसा तुम्हें भी क्या तो प्रेस में बोलते हैं, क्या हमारे न्यूज़ में बोलते हैं, क्या कर को समझाए। तो मैं बोला गाँव में नहीं हूँ, तो मैं संडे दिन पहुँचूँ तो संडे दिन बात करेंगे बोल को। तो वह हिसाब से मुझे भी थोड़ा बहुत तो न्यूज़ में देखा, मालूम हुआ कि MIM से हम ना निकालें बोल को, तो उनका शुक्रिया हम ना निकालने की वजह। और वजह आज तक मुझे क्लियर समझी नहीं। उनका आरोप है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के तहत आपको निकाला जा रहा है। पार्टी के अपोज निकाला जा रहा है अगर को बोले तो, पार्टी के अपोज क्या काम करें वो प्रूफ करके दिखा देना। अभी मैं सुना वो न्यूज़ में जो बोले हैं 11 तारीख को MB पाटिल साहब के घर में बेंगलोर में बैठ को तुम्हें फोटोआ काट लें। अरे भाई, MB पाटिल साहब का हमारा 25 साल से रिलेशन है, उन्होंने कब भी आवाज़ दी हमें एक पोम पहुँचे वहाँ। हमारे जो भी मसले मसाले हैं इमीडिएट काम होता है। MB पाटिल साहब हैं, हमारे शिवानंद पाटिल साहब हैं, एक ज़माने से उनका हमारा रिलेशन है। ऐसा नहीं कि मैं कहाँ तो स्टेटमेंट दिए सो है क्या, मैं कांग्रेस में ज्वाइन हुए सा है, BJP में ज्वाइन हुए सा, ऐसा काम ही नहीं है। उन्होंने बुलाए अपने वो पेज पर कुछ तो डाले न्यूज़। अब मेरे अकेले का असर नहीं, बहुत जने का असर डाले उन्होंने, 7-8 इंडिपेंडेंट आपको ज्वाइन हुआ करके बोले। अब तुम्हें मजे हाईलाइट करने की वजह मुझे समझे नहीं आज तक। बीजापुर में होने वाले मेयर के चुनाव में पार्टी को इत्तला किए बगैर आप कांग्रेस को समर्थन कर रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है। नहीं किए बगैर बोले तो मजे जो उनके, आप जैसा परसों आप कल जो फ़ोन में इसमें न्यूज़ में मैं देखा, मुझे बार बार फ़ोन लगाए बोल को, बिल्कुल सही है। जैसा मेयर के इलेक्शन की डेट जैसा डिक्लेयर हुई, मजे हैं कि लोकल जो लीडर हैं MIM के, उन्होंने मेरे पास ऐसो सच उन्होंने आगो क्या बोले, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट लतीफ खान पठान उन्होंने तुम्हारा जा को मिलो घर को बोले, मिल को तुम्हारा ऐसो समझाओ घर को बोले। तो वो जो समझाए थे आप सुने तो आप खुद परेशान होंगे। वो लोकल लीडर मुझे आगो क्या समझा रहे थे, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट का बोलना ऐसा है कैसर साहब तुम्हें कांग्रेस को रोको, BJP को सपोर्ट दो करके बोल रहे थे। आप इतना सोचो, मजे जो होटल्स डाले हैं वो BJP का फेस देख को नहीं डाले उन्होंने। कैसर इनामदार की मिसिस थेरी, कल के रोज कैसर इनामदार पास हमें जाएंगे तो कुछ तो काम ही ना हमें करो डाले सो है होटल्स मजे होट डाले सो। इन्हों खुला बोलते हैं BJP को सपोर्ट करो करके। कल के रोज मैं BJP को कभी हाथ उठाया तो गली की जो हमारे होटल्स हैं मुझे चपला से मारेंगे उन्हों। ये जो हमारे BJP के जो आज के MLA साहब हैं। डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल ना सिर्फ एक शौक है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9999 8050 82 8793। उन्होंने मुस्लिम की क्या इज्जत रख रहे हैं वो तुम्हें मालूम है, पूरे मीडिया को मालूम है। हाँ तो ये हमारे होटल समझ चपला से नहीं मारेंगे क्या? और मैं हमारे लोकल जो भी हमारी ये है या बॉडी है हमारे वार्ड की, उनसे जब मैं राय लिया जैसा इलेक्शन डिक्लेयर होने के बाद, मैं BJP को सपोर्ट करना क्या कांग्रेस को सपोर्ट करना? उन्होंने जो बोले, जो आदमी अच्छा है, जो हमारे वार्ड का इम्प्रूवमेंट होता है तुम्हें उसे सपोर्ट करो करके बोले उन्होंने, कांग्रेस BJP करके नहीं बोले उन्होंने। आज तुम्हें मुझे ओपन बोल रहे हैं तुम BJP सपोर्ट करो कर।
आज मैं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा बोले तो मैं गली में मेरी नाक क्या रहेंगी और मैं इनको क्या चेहरा दिखाऊंगा मेरा। और मैं क्या हर एक लोग बोलते बैठे दे इन्हों ऐसे बीजेपी को सपोर्ट करो कर बोल रहे हैं। और ये हमारा जो ये है यहाँ सिस्टम है MIM का, ये टोटली फेल सिस्टम है। आज कम से कम मेरे हिसाब से आज 28 या 29 तारीख है, 29 तारीख है आज, बराबर एक साल हो गया वोटिंग को। 30 तारीख को रिजल्ट आया था, अक्टूबर 30 को, ये पूरे जने को मालूम है। आज तक भी हमना ओएसी साहब एक दिन ना बुलाए ना एक दिन हमारे से कांटेक्ट करे। और ये जो सलीम बोल के कॉरपोरेटर हैं हैदराबाद के और कौसर मोदीन बोल के MLA हैं, उनको मैं 10 से 20 बार कॉल करया, देखो साहब तुम्हें साहब से एक टाइम लो, साहब आने की ज़रूरत नहीं, आप कौन तो भी एक ले आओ, मेरी ऑफिस ओपनिंग रखने का है और ज्वाइनिंग प्रोग्राम कराने का है। कम से कम 1500 से 2000 यंग लड़के पार्टी में ज्वाइन होने रहे थे, ये मैं उनको बोले से करें उनको कुरान पर हाथ रखो कसम खाओ करना, ये दोनों जने वो कॉरपोरेटर और MLA साहब, मैं उनको 10 बार रिक्वेस्ट कराया, देखो साहब तुम्हें कब एक डेट दो हमना, मैं ज्वाइनिंग प्रोग्राम करता हूँ, मेरी ऑफिस ओपनिंग करने का है, मेरी ऑफिस देखो तुम्हें, आज बीजापुर के कौन से भी कॉरपोरेटर की ऑफिस है क्या ये टाइप बनाए सो। और वो जिस दिन उन्होंने जमखंडी के प्रोग्राम को जा रहे थे अचानक मेरे पास आए उन्होंने, कौन है वो MLA साहब और कॉरपोरेटर साहब और हमारे इनू थे जब MIM में उस्मान गनी साहब स्टेट प्रेसिडेंट, उनके सामने तक ये वादा करे उन्होंने हमें 100% 8-10 दिन में तुम्हारा डेट देते हैं, हमें ज्वाइनिंग प्रोग्राम करेंगे और हमें तुम्हारे ऑफिस भी ओपनिंग करेंगे। मैं ये तक बोले देखो साहब तुम्हारा एक रुपया भी मुझे कुछ इन्वेस्टमेंट करने का नहीं है, सो मैं कर लेता हूँ, खाली तुम्हारा एक मुझे सपोर्ट रन दे। और आज तक भी ना मैं जब से इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, इलेक्शन जैसा डिक्लेयर हुआ ना इनका बैनर आया, ना इनके हैंडबिल आए, ना इनके शॉल आए, ना इनके झंडे आए, हर चीज़ हम मेरे पैसों से मैं खरीदे सा है। इनका खाली जो आया वो बीफाम आया, हाँ। और तुम्हें इन्हों बोल रहे हैं हमारे ओएसी साहब आने की वजह से, वह ठीक है देखो हार जीत अल्लाह के हाथ में है, वो ओएसी साहब तो आंदे, सिद्धरामैया साहब तो आंदे, कौन भी कैनवसिंग का आंदे, जो मुकद्दर में है वो छोने वाला। और मैं क्या इसमें नया बच्चा नहीं हूँ कि मुझे ओएसी साहब आए के साथ मुझे लीड मिली बाबल को, मैं लास्ट टाइम भी जब ठहरा था 1000 वोटों से आया था, मैं 400 या 500 से गिरा था, मैं ठीक है अल्लाह मेरे आज नसीब में रखा था, जीत अत्ती मेरी जीत हुई। लेकिन इन्हों जो इसे हाईलाइट कर रहे हैं, इन्हों आने से ही छुआ कर को, और इनको ये पूछो इतने बार इन्हों परमिशन डाली, एक बार भी परमिशन नहीं मिली, एक बार कैसा परमिशन मिली साहब, इनको जगह तक नहीं मिल रहा था, हमें खाली घंटे के अंदर जगह अरेंजमेंट कर को दिया सर, पूछ लो उनको हमारे जो भी लीडर्स हैं बैठे सो, हाँ आज वो सब छोड़ दे को कैसर गद्दार निकलिया, धोखेबाज निकलिया, अगर को जो तुम्हें बोल रहे हैं तुम्हारी क्या रही सब पोजीशन है, तुम्हें एक नंबर वार्ड में 2 लाख रुपए में टिकट बेच ले तुम्हें, जिसे दिए थे MIM से एक नंबर वार्ड है, पहले ध्यान में रखो, एक नंबर वार्ड में MIM से जिसे टिकट दिए थे उसे विड्रॉ कर लिया तुम्हें 2 लाख रुपये देने में सामने वाला, ये मालूम है क्या तुम ना, अब गद्दार मैं क्या तुम्हें। आप जो ये आरोप लगा रहे हैं क्या इसका सबूत है आपके पास? जो आदमी दिए उसके ऐसे बोलने लगा तुम्हें, मैं कौन सा भी ऐसा हवा में तीर नहीं मार रहा साहब, तुम ना सामने बटा तू, जो आदमी दिए जो कैंडिडेट दिए 2 लाख रुपये तुम ना, आज तुम्हारी ये पोजीशन है। ये मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ओएसी साहब तक ये पैगाम पहुँचाओ, ये जो हमारी बॉडी है इनके पास क्या भी नहीं है, इन्हों भूखे पेट कब तक भागने वाले हैं, ना इनके पास ऑफिस है, हाँ ना इन्हों ढंग की इनकी कौन सी भी एक ये है प्रोफेशनल एज काम के लिए, हम ऐसा क्या भी नहीं, इन्हों 5 बरस में 21 बार इनको याद आता है वो झंडा पकड़ने का। कल उन्होंने और एक आप पर आरोप लगाया कि आप पहले से ही कांग्रेस के सपोर्टर थे, आपको टिकट ना देने के बाद आप MIM में आए हैं। बिल्कुल सही है साहब, हम पहले से कांग्रेस में थे, हमारे बाप दादा कांग्रेस में थे, हमना कांग्रेस का टिकट नहीं मिलने के बाद मैं इंडिपेंडेंट ठहरा था, इनकी पूरी टीम आको इनका अभी तो मेरे पीछे पूछ सकते हैं, इमीडिएट तुम्हें कॉल करे तो वो एच वर्ड निकलती है, ये हमारे अतीक मंद्रूप और ये मुन्ना बांगी और हमारे इरफान काजी और वो सादिक व्यापारी जब मेरे पास आए थे, मैं इनको क्या बोल को भेजा, बाबा ये बदला में उस पार्टी है मुझे नको ये टिकट करको, मैं इनको बोल को भेज सकते नहीं पूछो। जब लास्ट में मुझे टिकट नहीं मिला तो सबसे पहले हमारे ऑफिस में इन्हों अटेंड करे मुझे,
देखो तुम्हें इंडिपेंडेंट नको थे, हमारी एक रिक्वेस्ट है तुम्हें किसी हाल में भी हमारा MIM का टिकट लेना। ठीक है, देखो मैं टिकट उन्हें दिए वो इस हिसाब एक आवास पूर्ण हुआ है, कैनवेसिंग हुआ, पब्लिक जमे, दो में चार में दो चुन कर आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन तुम्हें गद्दार निकलेगा को जो बोल रहे हैं, देखो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। तुम्हें ज़रूरत पड़े इस टाइम हलाल कर लेने का, नहीं ज़रूरत पड़े इस टाइम हराम करने का, ये मुझे अच्छा नहीं लगा बात है। अब जो जीत कर आए हैं ये बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बिजापुर में आने के बाद जीत कराएंगे ऐसा बोल रहे हैं? नहीं उन्हों होना से बोलते हैं जी, भी वैसा हुआ तो और दो सीटें लेकिन जीत गए साहब, चारों चुनकर आना था तो हाँ वो भी चुनकर आना था, उन्हें भी लीड में आना था, मैं कौन सा वैसा लीड में आया, मैं खाली 18 वोटों से ऐसा है। अगर ओएसी साहब का इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन रहता था देखो 1800 वोटों लीड से आता था, मैं 18 वोटों से नहीं आता था। आपकी पत्नी जो वार्ड नंबर 28 की कॉरपोरेटर है, क्या इस बार मेयर के चुनाव में कांग्रेस को समर्थन करने वाले हैं? देखो अभी तक तो मेरा ऐसा क्या भी विचार नहीं था, लेकिन मैं जब MP पाटिल साहब घर में गया, मैं एक सबसे पहले शायद मैं आवाज़ उठाए वाला हूँ, तुम्हें मेरे पीछे भी पूछ लो जो कॉरपोरेटर हैं, मैं क्या बोला, हमारे पास सीनियर जो है अब्दुल रजाक वारती है, हमारे मुस्लिम के अंदर और मुस्लिम कर को बोले से कांग्रेस BJP कर को नहीं बोला, हमारे इसके अंदर अब्दुल रजाक वारती है, 4-5 बार चुन का ऐसा आदमी है, एक्सपीरियंस हैंड है, हमें सब में पहले उसे चुनेंगे साहब, कर को मैं आवाज़ उठाई सो है। अगर वो बोलने की वजह क्या है मेरा, एक तो कांग्रेस की सरकार MB पाटिल साहब उस्तवारी हैं, उसके बाद एक नॉलेज पर्सन रहता है कौन भारती साहब, तो हमारे वार्ड का इम्प्रूवमेंट होता है, अगर वो बोले सर मुझे ऐसा कांग्रेस BJP से कुछ लेना देना नहीं है, मुझे क्या सभी अत्याच है, बसवनगौड़ा भी हमने इज्जत से बुलाते हैं, शिवानंद पाटिल साहब भी इज्जत से बुलाते हैं, MB पाटिल साहब भी बुलाते हैं, हमें किसके साथ भी आज तक भी क्रॉस नहीं है क्या, तो भारती अच्छा आदमी है, अगर को हमें भारती को सपोर्ट करेंगे को बोले सर, आज उन्हें जब मुझे अपने खुशी से जब निकाल को फेंक रहे हैं तो वेलकम साहब, मेरा क्या भी उसमें है नहीं। अभी जब आप ये डिसीजन लिए हैं, क्या आप लोकल लीडर के साथ इसके बारे में चर्चा किए थे? कौन लोकल लीडर? यहाँ के MIM के जो भी है। नहीं लोकल लीडर मुझे फोना लगाए अगर को जो अब उन्होंने बोल रहे हैं तो मुझे फोना लगाया है मेरे साथ डिस्कस करे, लेकिन डिस्कस ऐसा करे वन साइड बातें करे, उन्होंने ये बोलना था मुझे देखो कैसर साहब जो अच्छा वर्कर है तुम्हें उसे सपोर्ट करो करके बोलना था, उन्होंने पूरा वन साइड BJP को सपोर्ट करो करके जब बोल रहे हैं भी आप पब्लिक बोले सरकार छह बी टीम करके मैं हाथा जोड़े उनको नको बाबा मैं जो अच्छा आदमी है उसके पास जाता हूँ करके बोले सो सच है। MIM के जो लोकल लीडर के साथ क्या आपकी कोई मतभेद है? नहीं मेरा क्या भी नहीं, मैं जुमा 8 दिन का इनकी पार्टी आ गो 8-9 साल हुआ, लेकिन मैं गए अक्टूबर से ये अक्टूबर तक तक पहचान है मुझे, पहले इनके चेहरे भी देखा नहीं मैं। कल उन्होंने आपको पार्टी से निकालने की उछाटने करने की बात की थी, क्या लेटर आपको घर पर आया है? अभी तक लेटर नहीं आया, उन्होंने अपने स्पीच में बोले कि हमें ऑलरेडी एक राइटिंग में लेटर दिए बोल को, मुझे क्या तकलीफ नहीं है, दिए तो चलता है, मेरा क्या प्रॉब्लम नहीं है। आपके और एक MIM के जो कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 25 के उन्होंने BJP में जाने की वो क्या अफवाह बजा बोल? देखो साहब मैं उनके बारे में क्या नहीं बोल सकता कि बोले तो उनको पूछो तुम्हें, अब मैं दूसरों के बारे में बोलना मुझे क्या ठीक लग रहा नहीं, वो आप डायरेक्ट उनसे ही बात करो। वो MIM को MB पटेल साहब के घर गए थे तब वो आपके साथ में, ये मेरे साथ में थे तो 11 तारीख में मेरे साथ में थे, हमारा उन्होंने अच्छे इज्जत दिए बुलाए, बाद में हमारे प्रकाश अठोड़ साहब चलो तुम्हें कभी नहीं सुनाई बीजापुर की पूरी टीम है, मैं सिद्धरामैया साहब को मिला तुम्हें, दो घंटे में अपार्टमेंट लिए सिद्धरामैया साहब को मिला है, सिद्धरामैया साहब के सामने भी ये वर्ड बोले ये दोनों MIM से हैं साहब का को हमने इज्जत से बुला को उन्होंने 20 शाल डाल कौन सिद्धरामैया साहब। आज हमारे पार्टी का जो मेन बॉस है एक दिन हमने फोना लगाया ने और हमारे एक दिन फोना उठाया ने आदमी, ये उनके जहन में रंदे है, आज हमें तुम्हारा इज्जत आज भी करते हैं कल भी करेंगे परसों भी करेंगे तुम्हारी इज्जत, लेकिन तुम्हारे जो नाम के ऊपर हमें चुन को कम से कम इनको तुम्हें एक हाय हेलो तो बोलना था भाई फ़ोन पर, हाँ तुम्हारे एक रुपए की मदद नहीं है वो नहीं रहती कि नहीं, अल्लाह के फजल से हमारे पास चटनी रोटी खा को भी हमें तुम्हारा नाम दे रहे हैं और आगे भी लेंगे कि बोले तो वाहिद एक ही शख्स है जो हमारे हिंदुस्तान में जो मुस्लिम के सपोर्ट में बात करने वाला है, बाकी के कौन है बताओ, हमें वो हिसाब से पार्टी में गए थे कि नो ऐसे उल्टा चमना साल शिकार है। अभी इतना सब कुछ होने के बाद क्या आप MIM पक्ष में ही रहना पसंद करेंगे या कांग्रेस में जाएंगे या किसी और पार्टी में जाएंगे?
नहीं, मेरा तो अभी ऐसा वैसा, मैं कौन सी भी पार्टी नहीं पसंद करता, मैं कौन सी पार्टी में जाना चाहता नहीं, मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूँ। क्यों बोले तो कल कभी भी बीजेपी की सरकार आको, हमना बीजेपी की तरफ से वार्ड को अगर हमारे कुछ तो हेल्प होते रहा तो मैं वहाँ भी जाने वाला। मैं ऐसा क्या भी नहीं, मैं कांग्रेस में चलना पसंद करना है, बीजेपी में जो वर्क हमारे वार्ड में जो वर्क अच्छा होता है, जो आदमी करने वाला है, हमें उसे सपोर्ट देने वाले। हमें वार्ड छोड़ को, पब्लिक छोड़ को नहीं जाने वाला। जब वक्त कैसा आता है कि जब मैं हमारे वोटर्स से राय मशवरा करके आगे फाइनल करेंगे, डिसीजन लेंगे। मेरे आने वाले चुनाव में आप किसके साथ जाना पसंद करेंगे, कांग्रेस या बीजेपी? नहीं, अभी तो हमें भारती को फाइनल कराएं और भारती को जो इंशाल्लाह वो बैठने के चांसेस हैं, एक दो जो भी कम पड़ेंगे वो क्या तो करके वोटर्स लाते हैं उन्होंने कॉरपोरेटर्स को, और अच्छा आदमी है, हमारे वार्ड का इम्प्रूवमेंट होता है, हमें उसे फाइनल करें, उसका इंशाल्लाह होगा। यानी कि आप कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं? मैं भारती को दे रहा हूँ, कांग्रेस को नहीं दे रहा। अगर कांग्रेस की है ना, ठीक है भाई, कल के रोज भारती निकल को इधर आए तो जब क्या करने का? इसी आरोप के चलते तो आपके पत्नी को यहाँ स्थित MIMC निकाला जा रहा है ना? बिल्कुल सही है साहब, लेकिन इन्हों वन साइड बातें करने की वजह से हमें वन साइड जाना पड़ रहा था। नहीं, आप राज के जो आपके राज अध्यक्ष, उन्हें भी समझा सकते थे कि स्टेट में मेरी कोई, डिस्ट्रिक्ट में मेरी कोई बात नहीं सुन रहा है, बल्कि आप राज अध्यक्ष से बात नहीं किए? राज अध्यक्ष को मेरे, उनको इतना पूछो उनके कितने कॉरपोरेटर हैं कर्नाटक में, उनको मालूम है क्या? पूछो उनके नामा मालूम है क्या? पूछो उनके फ़ोन नंबर मालूम है क्या? पूछो। इससे पहले एक आदमी था, वो बेचारा रात दिन मेहनत करता था, हमारे उस्मान गनी साहब, वो उनका नहीं जमा, वो कुछ तो अलग पार्टी बनाया ऐसा सुनने में आए, लेकिन ये आदमी का तो आज तक भी सुने नहीं। खाली इनके जो फ़ोन पर जो बात करेंगे, जो इन्होंने बोल रहे हैं, मुझे जो फ़ोन में समझाए करके बोल रहे हैं, इन्होंने बोले थे कि जाको कैसर को मिलो ये समझाओ कर पा, मैं इनकी बात नहीं माने। कि इस मामले के आने के बाद लोकल लीडर्स या स्टेट लेवल लीडर कोई आपसे कांटेक्ट किए हैं, बात किए इस पर आपके साथ? नहीं, हमारे हमिद भाई बात करें मुझे। नहीं नहीं, MIM के कौन भी नहीं बात करें, मैं MIM के बारे में बोल रहा हूँ। नहीं, जो हाई लेवल के जो लीडर्स हैं उनको एक कम से कम 100 फोन लगाया, उनको कभी भी तुम्हें पूछ सकते हैं, कभी बीजापुर में आए तो कैसर इनामदार तुमने बोला था कि नहीं बोला था? बीजापुर में ऑफिस ओपनिंग करेंगे, ज्वाइनिंग प्रोग्राम करेंगे, ये पूरे बातें हुए थे क्या? नहीं पूछो। उसके बाद एक मैं 25 या 50 फोन लगाया, साहब तुम्हें डेट दे दूँगा, इतने डेट कहीं को नहीं दिया आज तक, उन्होंने आज तक भी डेट नहीं दिया और ना हमारे फोन रिसीव करे। अच्छा, आप कांग्रेस ज्वाइन होने के बाद में आपको नोटिस दी गई, क्या सच है MIM से? नहीं, कांग्रेस ज्वाइन होकर को बोले कौन? कांग्रेस को सपोर्ट दे रहे हैं आज के तारीख में, और ये इलेक्शन हर साल में चेंज होने वाला, 5 साल में 5 आने वाले, आगे और कौन अच्छा अगर बैठ रहे वर्कर है, हमारे वार्ड का सुधार हो रहा है, अगर वो बीजेपी तो रहता कि नहीं, कांग्रेस तो रहता कि नहीं, और कौन सी भी पार्टी का रहता कि नहीं, हमें उसे सपोर्ट करने वाले। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस में दम है तो हमारे 2 कॉरपोरेटर्स में एक को मेयर बनाए। साहब चुन का ऐसा लेकर तुम्हें नहीं पूछ रहे, उनको ही पूछने जाएंगे जी। एक साल हुआ कौन सा उन्होंने मुझे बुला को फुलपान तो छोड़ो इसकी माँ का, तू कैसा रे कैसा करो पूछेगा? पूछो उनको लीडर्स को। हाँ, MIMC नोटिस मिली थी क्या? नहीं आपको क्या बोल को नोटिस है कांग्रेस का, वो फोटो वायरल होने के बाद में? नहीं नहीं, खाली फोन पर बात हुई थी। अच्छा, फोन पर बात, ऑफिशियल क्या क्या भी नोटिस नहीं है। कल जैसा तुमने प्रेस दिए, ये तुम्हें प्रेस वाले मुझे फोन लगाए, मैं गाँव में नहीं था कल, मैं 12 दिन से गाँव में नहीं था, तो तुम्हें मुझे समझाया ऐसा तो तुम्हारे निकाले तुमने, मैं बोला वेलकम साहब बोला, जब उन्होंने मालूम पड़ा। अभी आप पार्टी में रहो या ना रहो, आप कांग्रेस को ही समर्थन? हाँ, इस बार हम कांग्रेस को सपोर्ट कर, कांग्रेस में जाना हमने कुछ ज़रूरी नहीं है, मैं न्यूट्रल रहना पसंद करता हूँ। आने वाले इंशाल्लाह मेरी हयाती मैं रहूँगा, तो जब कैसा मूड आता है वो हिसाब से काम करेंगे, जो वर्कर के ऊपर डिपेंड है, वो पार्टी के ऊपर डिपेंड नहीं है। अच्छा, कांग्रेस से क्या डिमांड करेंगे आपको कि आप सपोर्ट देने के बाद में ये चीज़ें होना? हमारे वार्ड का जो वर्क है अभी तक नहीं हुआ, मैं उसके बारे में डिमांड करे सर, तो मैं भारती साहब को पूछ सकता हूँ, हमारे अब्दुल हमीद मुशरिफ साहब को पूछ सकता हूँ, मैं वार्ड के कामों के बारे में बोले सर, हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फंड रिलीज करो, हमारे वार्ड में वर्क होना है, दूसरा क्या भी नहीं, मेरे क्या भी डिमांड नहीं है, तो मैं किसे भी पूछो, मेरे पीछे भी पूछो। ठीक है, शुक्रिया सर। ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ.